प्याज का रेट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग पहले 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो लेते थे, अब आधा किलो ले रहे हैं, 1 किलो ले रहे हैं। प्याज के रेट बढ़ने से बहुत पब्लिक को तकलीफ हुई है, और हम लोग अभी काम करते हैं, यहाँ पे आए हैं अभी प्याज लेने के लिए। और बाकी बात अंकल से बात कीजिए, और गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट को होना चाहिए कि प्याज का रेट थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि इतना रेट में प्याज बहुत ज्यादा जाता है। और प्याज इतना रेट में अगर होता, मतलब मिल रहा है, तो बहुत कम खर्चा करना पड़ता है, इसलिए प्याज का रेट कम करना चाहिए। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है मेरी। ले लिया ना अभी 110 रुपए की 2 किलो ले लिया। प्याज का रेट कम करना, इतना रेट बोले तो लोगों को बहुत परेशानी होता है ना। पहले कितने रेट थे आप? पहले तो 100 को 6 किलो था, 6 किलो 8 किलो भी थे, अभी तो रेट बहुत बढ़ गए है गवर्नमेंट से क्या है आपका गुजारिश, क्या आपका गवर्नमेंट से क्या बोलना चाह रहे हैं? हम क्या बोलेगा साहब, वो लोग समझ के रेटा उतरना। क्या बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा प्याज का रेट इतना ज्यादा हो गया है कि आदमी को लेने के लिए सोचना पड़ता है, और जो आदमी जो भंडी जो चलाए उसके लिए कहाँ से प्याज है। और इतना इतना प्याज का खर्चा होता है कि आदमी लोग बार बार मांगता है तो आदमी क्या करे प्याज के बारे में, अब कहाँ से ला के दे, इतने महंगा हो गए हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। बस मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू। कम हो उतना बढ़िया है ना, अब ज्यादा होते जाए तो आदमी प्याज कैसे ले, नहीं ना ले सकते, और खाएंगे क्या प्याज? फिर कुछ दिनों के बाद अगर ऐसा ही रेट बढ़ते रहे तो प्याज देखने को नहीं मिलेगा, खाने का तो बहुत दूर की बात है। देखो 100 में 4 किलो, 5 किलो बेचे, 8 किलो बेचे हम लोग 100 के अंदर। अभी क्विंटल प्याज लेने गए तो 6,000-7,000 क्विंटल है, कहाँ से लेंगे, कैसा बेचेंगे? 7,000 रुपए क्विंटल बोले तो किधर से बेचेंगे, क्या रेट बेचेंगे? कम रेट का भी है, 5,000 का भी है, 4,000 का भी है, उससे कम नहीं है मार्केट के अंदर, 5,000 के ऊपर ही किधर से बेचेंगे? क्विंटल, एक क्विंटल 5,000 रुपए, ग्राहक लड़ रहा आके, किधर से देंगे? जो है वो लाए बेच रहे हम। अभी 120 में 2 किलो चल रहा, 60 रुपए किलो। पहले एक क्विंटल 800 रुपए में, 700 रुपए में, 1,000 रुपए में लेते थे, अभी 5,000 रुपए क्विंटल होगा, 6,000 होगा, 7,000 होगा क्विंटल। इतना रेट हुआ तो खाएंगे क्या लोग, बेचेंगे कैसा, हम लोग कैसा जिएंगे? जीना भी पड़ेगा ना हमारे को। यही कम करो बोल के अपील कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से, कुछ भी नहीं। कम करे तो ग्राहक हमारा भी ज्यादा होता, हम भी कुछ खा के रह सकते। 40 रुपए, 20 रुपए था, 40 रुपए हो गया। प्याज 20-30 रुपए था, 100 रुपए, 150 रुपए किलो हो गया। कम हो ना, आम आदमी जीना बोलते रेटा कम होना, और क्या ना? रेटा कम करना, और क्या अपील करते हैं? अच्छा सब दामा पूरा कम करना, चावल का, दाल का, तरकारियों का, ऑयल का पूरा कम करे तो अच्छा रहता। सस्ता है बोले तो भिंडी है सस्ता, टमाटर भी महंगा है, बीनीस महंगा है, सेम महंगा है, सब महंगे से तर करे। नॉर्मल धुंडा थोड़ा बैंगन कम रेट है। ग्राहक तो क्या बोलता, जैसा रहा वैसा लेता ग्राहक, क्या करता, जरूरत की चीज है सबको, नहीं खाया तो क्या करता। प्याज 65 रुपए किलो प्याज है, महंगे जी भाई तरकारी, सस्ते कुछ भी नहीं है, सस्ता देता भी कौन तुम्हारे को, बोलो। और जो मेरी ये दुकान है, जो दिन पे दिन रेटा बढ़ते जा रहे हैं, और ग्राहक भी देखिए कैसा है, माल कमी से पूरा, और टमाटर का रेट भी बढ़ते जा रहा है, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम बहुत है, ग्राहक भी नहीं आ सकता। आप ग्राहक बहुत कम हो चुका है पहले से, ग्राहक बोल रहा है इतना रेट कैसा आपका, हमारे हाथ में कुछ है बढ़ रहा नहीं का, जो मिलता मार्केट से रेट हम यहाँ से बेचते ना। पहले कितने लेते थे ग्राहक, अभी कितने ले रहे? अब 100 में से अब 10% भी आना मुश्किल होगा ग्राहक। अब गवर्नमेंट से ये करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सस्ता हो जाए तरकारी, दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे।